गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ चैप्टर थर्ड वी हैव ऑलरेडी रेड द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर. द नेम ऑफ चैप्टर इज आई हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त है. लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करें. व्हाट डू यू डू विद द टॉयज विच यू नो लॉन्गर प्ले विथ. टेल द क्लास कि उन खिलौनों के साथ आप क्या करते हैं जो आपके पास हैं लेकिन ज्यादा टाइम उनके साथ आप नहीं खेलते हैं. अपनी कक्षा को बताएं. कबर्ड, टॉय बॉक्स, शू रैक, कॉमिक, वेस्ट, विलेज, पैकेट, शेयर. वर्ड्स टू नो, यू हैव टू लर्न. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ हाउ सोनू हेल्प्ड समवन. चलो अब एक कहानी पढ़े कि किस तरह से सोनू ने किसी की मदद की. सोनू हैज मेनी थिंग्स. सोनू के पास बहुत सारी वस्तुएं हैं. हिज कबर्ड इज फुल ऑफ क्लॉथ्स, हिज टॉय बॉक्स इज फुल ऑफ टॉयज, हिज शू रैक इज फुल ऑफ शूज, हिज बुक शेल्फ इज फुल ऑफ कॉमिक्स एंड बुक्स, एंड हिज पेंसिल्स बॉक्स इज फुल ऑफ पेंसिल्स. मतलब उसके पास हर एक चीज बहुत सारी है, चाहे वो कपड़े कहो, शूज कहो, पेंसिल्स कहो या उसके शूज कहो, हर एक चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है. यानी उसका अलमारियां सारी चीजों से भरी हुई है. मम्मी टेल सोनू नॉट टू वेस्ट थिंग. मम्मी हमेशा सोनू से कहती है कि इन चीजों को वेस्ट नहीं करो, बर्बाद नहीं करो. सी आस्क्स हिम टू गिव अवे द थिंग्स ही डज नॉट नीड. वो हमेशा कहती है कि तुमको जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है किसी आवश्यकमंद को दे दो या जरूरतमंद को दे दो. बट सोनू डज नॉट लिसन टू हर. लेकिन सोनू उसकी मम्मी की नहीं सुनता है. वन डे, एक दिन, देर इज ए फायर इन द विलेज नियर बाय. एक दिन उसके गांव के पास आग लग गई. द फायर बर्न्स ऑल द हाउसेज इन द विलेज. और उस आग से गांव के बहुत सारे घर जल चुके. रामू द ड्राइवर ऑफ सोनूज स्कूल बस. रामू जो एक व्यक्ति है, सोनू के स्कूल बस का ड्राइवर है, लिव्स इन द विलेज. वो भी उसी गांव में रहता है. हिज चिल्ड्रन हैव नो क्लोथ्स, शूज और बुक्स. उसके रामू के जो बच्चे हैं उनके पास क्लोथ्स, शूज और बुक्स नहीं है. सोनू फील सैड. सोनू को बहुत ही दुख होता है. ही टेल्स हिज मदर अबाउट द फायर एंड आल्सो अबाउट रामू. तो सोनू उसकी मम्मा को उस गांव में जो आग लगी हुई है उसके बारे में कहता है और रामू के बारे में बताता है. देन ही सेज, और फिर कहता है, मॉम कैन आई गिव सम ऑफ माई टॉयज, क्लोथ्स एंड शूज टू रामू. मम्मी क्या मैं अपने कुछ कपड़े, जूते, अपने खिलौने रामू को दे सकता हूँ. डू यू थिंक इट विल मेक हिम हैप्पी. और आप क्या सोच रहे हो कि अगर मैं ये जो वस्तु उनको दूँ तो ये उसको खुश करेंगे. मम सेज यस सोनू. मम्मी कहती है हाँ बेटा सोनू, इट वुड बी नाइस टू हेल्प हिम. अगर आप उसकी मदद करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है. यू शुड गिव अवे द थिंग्स दे टू डू नॉट फिट यू एनी मोर. कि तुम्हारी जो वस्तु है और तुमको फिट नहीं हो रही है वो तुमको किसी को दे देनी चाहिए, जरूरतमंद को दे देनी चाहिए. सो सोनू टेक्स आउट द क्लोज एंड शूज दे डू नॉट फिट हिम. तो तब सोनू उसकी जो कपड़े होते हैं, शूज होते हैं जो उसको फिट नहीं हो रहे वहां निकालता है बाहर. ही पैक्स इन डैम इन टू नीट पैकेट्स. और वो सब उनको एक अच्छे साफ सुथरे पैकेट्स में पैक कर देता है. वेन मम सी सो मेनी पैकेट्स. जब मम्मी वो बहुत सारे पैकेट्स को देखती है, सी से वह कहती है, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू गिव अवे ऑल दिस थिंग. क्या तुम श्योर हो कि ये सारी वस्तु तुम किसी को ऐसे ही बिना पैसों के मुफ्त में दे दोगे. क्या तुम अपने मन में एकदम श्योर हो चुके. सोनू सेज यस मॉम. सोनू कहता है हाँ माँ, आई हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त है. आई होप, मैं आशा करता हूँ रामू चिल्ड्रन फील्स हैप्पी विद दिस क्लॉथ्स एंड शूज. मुझे इसी लगता है कि रामू के जो बच्चे हैं वहाँ इन कपड़ों और जूतों के साथ बहुत ही खुश होंगे. ऑफकोर्स, बिल्कुल सही, दे विल बी सेज मॉम. और वो मम्मी कहती है हाँ बिल्कुल सही बात है, वह बहुत ही खुश होंगे. वी शुड शेयर. हमको शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए. व्हाट वी हैव विद अदर्स. हमारे पास जो कुछ भी है वह हमको दूसरे के साथ बांटना चाहिए ताकि वह भी खुश रहे. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी ए, बी एंड सी. लेट्स आंसर एक्टिविटी ए, से ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, सोनू डज नॉट हैव मेनी थिंग्स. फॉल्स. सेकेंड, सोनूज कबर्ड इज फुल ऑफ क्लॉथ्स. ट्रू. रामू स्टेज इन द विलेज. ट्रू. रामूज हाउस वॉज स्वेप्ट अवे इन द फ्लड. फॉल्स. सोनू वॉन्टेड टू शेयर सम ऑफ हिज थिंग्स विद रामू. ट्रू. एक्टिविटी बी, हु सेड दिस वर्ड्स. यह शब्द किसने कहे. मम
कैन आई गिव सम ऑफ माय टॉयज क्लोथ्स एंड शूज टू रामू? सोनू. सेकंड, आर यू श्योर यू वांट टू गिव अवे ऑल दिस थिंग्स? मम्स या मम्मी. एंड नंबर थर्ड, आई होप रामूज चिल्ड्रन फील हैप्पी विद दिस क्लोथ्स एंड शूज. सोनू. एंड नंबर फोर, वी शुड शेयर व्हाट वी हैव विद अदर्स? मम्स या मम्मी. एक्टिविटी सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन ए बी एंड सी. फर्स्ट, सोनूज मदर टेल्स हिम टू नॉट डैश थिंग्स बाय शेयर वेस्ट. तो वेस्ट सी इज करेक्ट ऑप्शन. सोनूज मदर टेल्स हिम डू नॉट वेस्ट थिंग्स. सेकेंड, रामू ड्राइव्स द स्कूल डैश बस कार बाइक. ऑप्शन ए इज करेक्ट, बस. नंबर थर्ड, रामू लॉस्ट एवरीथिंग इन द डैश ए फ्लड बी फायर सी स्ट्रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज बी फायर. नंबर फोर, सोनू लर्न्स टू डैश हिज थिंग्स ए थ्रो बी वेस्ट सी शेयर. करेक्ट आंसर इज सी शेयर. सो डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी ए एंड सी यू हैव टू डू इन नोटबुक एंड एक्टिविटी बी यू हैव टू डू इन अ बुक. थैंक यू.